फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के बारे में सबको पता रहता है, लेकिन क्या फ्लिपकार्ट की बाकी सेल्स के बारे में आपको पता रहता है? नहीं। बहुत कम सेलर्स को इस चीज का आइडिया भी होता है कि कब सेल आई और कब सेल चली गई। क्या हो अगर हमें एडवांस में फ्लिपकार्ट की सारी सेल्स इवेंट्स का पता हो और हम उस हिसाब से अपने बिजनेस को प्लान करें? आज की कम्प्लीट वीडियो होने वाली है फ्लिपकार्ट के आने वाले 3 महीने की सेल इवेंट्स के बारे में, जो कि बहुत बड़े सेल इवेंट्स रहने वाले हैं। देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये फ्लिपकार्ट के या कोई भी मार्केट प्लेस के या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग के सबसे बड़े सेलिंग डेज होते हैं। सो इसी में फ्लिपकार्ट के आज की वीडियो में मैं बताऊंगा सारे सेल इवेंट्स वन बाय वन, उनकी डेट क्या रहने वाली है। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, किसी भी सेल का जो टाइमिंग है वो कभी भी मार्केट प्लेस एडवांस में फिक्स नहीं करता। हाँ, वो कैलेंडर जारी कर देते हैं कि इस डेट से लेके इस डेट तक ये सेल आ सकती है, बट वो हाँ कभी एक दो दिन पीछे कभी एक दो दिन आगे चली जाती है। सो सबसे पहले बिग बिलियन डे अक्टूबर मंथ में आने वाला है, इसका आपको ऑलरेडी आइडिया हो चुका होगा। 10 तारीख से इस बार बिग बिलियन डे स्टार्ट होने वाला है। सो बिग बिलियन डे पे तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आपने देख ली होंगी, लेकिन उसके बाद कौन कौन सी सेल आने वाली है उस पे बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे सेलर्स को देखता हूँ, वो बिग बिलियन डे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और उसके बाद काफी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी सेल्स आती हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करके प्लान करके अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। तो चलिए सीधे मैं अक्टूबर की बात करता हूँ। तो अक्टूबर मंथ में 20 से लेके 24 तक फ्लिपकार्ट की बीबीडी के बाद एक सेल आने वाली है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी सेल रहेगी, जिसका नाम होगा बिग दशहरा सेल। तो आपको पता है भाई, दशहरा आने वाला है, तो 20 से 24 तक इसकी सेल अभी फ्लिपकार्ट ने अनाउंस करी है। हाँ, हो सकता है डेट ऊपर नीचे जाएगी, बट यहाँ पर भी बहुत अच्छी सेल देखने को मिलती है। दिवाली से पहले लोग यहाँ पर बहुत अच्छी जो है वो शॉपिंग करते हैं। इसके बाद अक्टूबर मंथ आपका एंड हो जाता है। अब नवंबर आते ही, नवंबर दिसंबर इतने बड़े मंथ्स होते हैं सेल के लिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो 1st नवंबर से लेके 6 नवंबर में फ्लिपकार्ट ने यहाँ पर अनाउंस किया है बिग दिवाली सेल। तो बिग दिवाली सेल यहाँ पर नवंबर में इस बार है, 1 से लेके 6 का अभी डेट अभी अनाउंस हुआ है, लेट्स सी वो कब तक जाता है। उसके बाद फ्लिपकार्ट जो है वो बिग दिवाली सेल BDS हम इसको बोलते हैं, इसको दो पार्ट्स में करता है, BDS 1, BDS 2। तो बिग दिवाली सेल जब आएगी उसके जस्ट 10 डेज के बाद यहाँ पर बिग दिवाली सेल 2 भी आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट 8 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक मोबाइल बोनंजा सेल भी फ्लिपकार्ट में चलने वाली है। फ्लिपकार्ट में क्या होता है जनरली, बिग 7 डेज, बिग आप दिवाली सेल, इस टाइप की सेल्स आप देखोगे जो सारी कैटेगरीज के लिए होती है, लेकिन इसके अलावा आपकी कैटेगरी की स्पेसिफिक सेल भी फ्लिपकार्ट अनाउंस करता है। जैसे मोबाइल की अलग सेल हो जाती है, फिर फर्नीचर्स वगैरह में अगर आप डील करते हो उसकी अलग सेल होती है, फिर उसके बाद क्लोथिंग्स में कई बार अलग सेल आती है। तो आपकी कैटेगरी क्या है आप मुझे कॉमेंट में बताना, मुझे अगर पर्सनल आपके कैटेगरी के बारे में कुछ बताना होगा तो मैं वहां पे जरूर बताऊंगा। तो ये भी सेल है जो आप नोट करनी चाहिए। नेक्स्ट नवंबर 18 से 24 फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया है ग्रैंड गैजेट्स सेल, जहां पर कि गैजेट्स, जो भी अगर आप गैजेट्स में डील करते हो तो वहां पर एक बहुत बड़ी सेल रहने वाली है। नवंबर 24 से 28 आपका बेस्ट ऑफ सीजन सेल चलने वाला है, जहां पर स्पेशली होम अप्लायंसेस में डिस्काउंट्स रहेगा और सेल अनाउंस हो जाएगी। अब इन सेल्स को इम्पोर्टेंस देना इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि इन सेल के लिए फ्लिपकार्ट ऑलरेडी कस्टमर को अनाउंस कर चुका है, कस्टमर को एडवर्टीजमेंट करता है, तो कस्टमर जरूर फ्लिपकार्ट पर आएगा, यहाँ पर आपको फायदा उठाना चाहिए। नवंबर जाते जाते 24 नवंबर के बाद 30 नवंबर तक बीच में आपको ब्लैक फ्राइडे सेल भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर की क्रिसमस की और न्यू ईयर की बहुत ज्यादा शॉपिंग देखने को मिलती है, प्लस दिसंबर में कई लोगों के फंक्शंस होते हैं, उसकी शॉपिंग भी आपको इसी ब्लैक फ्राइडे सेल में देखने को मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं ईयर एंड में, दैट इज दिसंबर में। सो दिसंबर में भी फुल ऑफ सेल सीजन रहता है फ्लिपकार्ट का, और पहले क्या होता था फ्लिपकार्ट इन सेल्स के इवेंट्स जो है वो अलग अलग निकालता था और अलग अलग इनके ऑफर आईडीज देके आप उसमें पार्टिसिपेट करते थे, बट अब फ्लिपकार्ट ने थोड़ा अलग कंसेप्ट निकाला है। मान के चलिए दिसंबर में फ्लिपकार्ट की 2-3 सेल आने वाली है, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, पूरे दिसंबर के लिए आपको ऑफर आईडीज देगा, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए और जब भी कोई भी सेल होगी आप उसमें एंटर हो जाओगे। सो दिसंबर की बात करते हैं, 7 से 12 तक आपका रहने वाला है एंड ऑफ सीजन सेल, जो कि एक बहुत बड़ी सेल फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, नाइका इन पे चलती है। दिसंबर 16
16 से 21 रहने वाली है बिग सेविंग डेज या 20SD सेल हम इसको बोलते हैं या क्रिसमस सेल भी आप इसको बोल सकते हो, तो ये फ्लिपकार्ट दिसंबर मंथ में डालने वाला है। ऑब्वियसली एक दो दिन ऊपर नीचे भी ये जा सकता है। और फाइनल सेल जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2024 का भी कैलेंडर आ चुका है, बट उसको मैंने अभी वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि बहुत दूर की बात है और तब तक डेट्स बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। सो आपको क्या करना है, अगर आप 2024 जस्ट कमेंट में लिख दोगे तो मैं 2024 का भी कैलेंडर आप लोगों के लिए बना दूंगा। एंड दिसंबर 24 को आपकी आने वाली है ईयर एंड सेल, इसको बोलेंगे। सो दिसंबर 24 को ये रहने वाली है, उसके बाद तो आपका न्यू ईयर आ जाएगा और उसके बाद 2024 स्टार्ट हो जाएगा। सो वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो कमेंट में हेल्पफुल लिख के जरूर आप सपोर्ट करिए। टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।